रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर आप मंडी में नौकरी या व्यापार करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए विशेष जानकारी आज वीडियो में देंगे। सभी किसान व्यापारी और आर्थिक भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है मंगलवार और तारीख 12 मार्च 2024। आज सुबह का मौसम साफ रहा है। गूगल वेदर रिपोर्ट के अनुसार कल भी मौसम साफ रहने की संभावना है। आज मंडी में फल सब्जियों की आवक, बिक्री और मंडी का माहौल कैसा रहा, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और अपना अनुभव भी बताएंगे। 7-8 मिनट की वीडियो में आपको मंडी माहौल की देंगे विस्तार से जानकारी। भाइयों, आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं। हमारी मेहनत की सफलता इसी में है, आप वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे सब्जियों के बाजार भाव से, जो कि इस प्रकार से हैं। टमाटर क्रेट 350 रुपये से लेकर बढ़िया माल 550 रुपये तक रहा है। एक क्रेट में 25 किलो टमाटर होते हैं और हाई ग्रेड टमाटर भाइयों 650 रुपये से 700 रुपये का रेट रहा है, ये भी 25 किलो होते हैं। मटर का बाजार 25 रुपये से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 32 रुपये तक चला है। शिमला मिर्च में ये माल 50 रुपये से 55 रुपये किलो, और शिमला मिर्च में इस क्वालिटी का माल 20 रुपये से 22 रुपये किलो का बाजार रहा है। फूल गोभी 30 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक चली है। फूल गोभी में कल के मुकाबले देखा जाए तो 5-7 रुपये की गिरावट आई। बंद गोभी का बाजार 12 रुपये से क्वालिटी के हिसाब से 15 रुपये किलो तक चला है। हरी मिर्च 60 रुपये से लेकर 65 रुपये किलो का बाजार रहा है। हरी मिर्च में 2 दिन से अच्छी तेजी बनी हुई है। धनिया का बाजार 5 रुपये से 8 रुपये किलो और पालक का बाजार 5 रुपये से 8 रुपये किलो। मेथी का बाजार 6 रुपये से 10 रुपये किलो रहा है। बथुआ भाइयों 15 रुपये से 18 रुपये किलो। पुदीने का बाजार 30 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक चला। पिट्ठा 28 रुपये से 30 रुपये किलो का भाव रहा है। नींबू लोकल माल है, जो कि 45 रुपये से 50 रुपये किलो का बाजार रहा है। खीरा 22 रुपये से 25 रुपये किलो हाईब्रिड, और पोली खीरा भाइयों 28 रुपये से 30 रुपये किलो का बाजार रहा। घिया का भाव आज 25 रुपये से 30 रुपये किलो तक चला है, और बैंगन 15 रुपये से 18 रुपये किलो। भिंडी का बाजार, ये माल 18 से 20 रुपए किलो बिका है भिंडी। और भाइयों, इस क्वालिटी की भिंडी जो है डब्बे वाला माल 45 से 50 रुपए किलो का रेट रहा है। मूली 10 रुपए से क्वालिटी के हिसाब से 16 रुपए किलो तक। गाजर का बाजार 10 रुपए से लेकर 14 रुपए किलो तक रहा है। हरा प्याज 14 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो। सिंगरे का भाव 30 रुपए से 35 रुपए किलो। चप्पल कद्दू 28 रुपये से 30 रुपये किलो रहा है, और चकुंदर 18 रुपये से क्वालिटी के हिसाब से 25 रुपये किलो तक का भाव रहा है। छोलिया 20 रुपये किलो थोक भाव में बिका है। कोई भाई मंडी में फल सब्जियों का आड़त का काम करना चाहता है तो किराए के लिए दुकान खाली है, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोई भाई मंडी में मुनीम या हेल्पर का काम करना चाहता है तो इस नंबर पर संपर्क करें। फलों के बाजार भाव की जानकारी लेंगे आज आरती भाई श्री जितेंद्र मलिक जी से। भाव जी राम राम जी। राम राम जी। भाव जी, आज करनाल मंडी में माल की आवक कैसी रही जी, ग्राहक की कैसी चल रही? माल की आवक ठीक ही है। अब ये किन्नु खत्म होने पे जा रहा है, संतरा शुरू हो गया। किन्नु खत्म हो गया जी, संतरे की शुरुआत हो गई। हाँ, संतरे की शुरुआत है। किन्नु अब नरम पड़ने लग गया, गर्मी होने लगी ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब संतरे का उठाव ठीक हो रहा है। संतरे का उठाव ठीक चल रहा है जी। हाँ जी, हाँ। तो जी क्या रेट चल रहा है जी? संतरा ये 30 रुपये के जी का है। 30 रुपये किलो जी। हाँ, ये 30 है, वो 40 है, वो 60 है। हाँ हाँ, संतरे का उठाव कैसा रहा है? संतरे का उठाव ठीक ही है। ठीक ही चल रहा है जी। हाँ हाँ हाँ। और भाव जी स्ट्रॉबेरी का क्या रेट? स्ट्रॉबेरी ये 100 रुपए से 300 रुपए तक होती है, क्वालिटी के हिसाब से। छोटे बड़े साइज भी है भाव जी? हाँ, ये जो छोटा साइज है वो 100 रुपए बिकती है, जो अच्छा साइज है वो 300 की 250 की 300 की बिकती है। एक डब्बे में कितनी पैकिंग हो भाव जी? इसमें 8 डिब्बे आती है एक डब्बे में। कितना ग्राम क्या होते हैं? तकरीबन एक डब्बी 200 ग्राम की होती है। 200 ग्राम की जी। हाँ। और बाबू जी बेर का क्या कुछ पोजीशन चल रहा है? बेर अब की बार और इन्हें ओला लगने से काफी खराब हो चुका है, बेर की फसल अच्छी नहीं हो रही है। अब की बार संभावना अच्छी भी होने की,
जो ओली लेट होने का उठाव ठीक होगा, पर उसके ओले ने पीट दिया, उसको ओले ने पीट दिया जी। हाँ हाँ। और बाबू जी अमरूद की तो आवक काफी घट गई है, अमरूद राजस्थान खत्म हो गया है, लोकल थोड़ा बहुत ही है, वो भी ओले ने खराब कर दिया है। अमरूद की फसल अब ठीक ठाक ही है, ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, संतरे के बारे में, अमरूद के बारे में, बेर के बारे में, स्ट्रॉबेरी के बारे में जानकारी साथ है कि नाम नंबर और फर्म का नाम। मलिक फ्रूट कंपनी, शॉप नंबर 611, मोबाइल नंबर 94163-62263। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। बकाया कुछ फल बचते हैं, उनके भाव इस प्रकार से हैं। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 650 रुपए से लेकर 700 रुपए रहा है। किन्नू में इस क्वालिटी का माल 14 से 16 रुपए किलो, और किन्नू में इस क्वालिटी का माल 20 से 22 रुपए। अनानास 40 से 42 रुपए किलो। राजा केला क्रेट 10 से 12 दर्जन 450 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया माल 650 रुपए क्रेट बिका है। काफी दिनों के बाद की सेब में इस क्वालिटी का माल भाइयों। अच्छा, क्या कर रहे हैं? 900 रुपए से 1000 रुपए डब्बा रहा है। एक डब्बे में 13-14 किलो सेब होते हैं। पपीते का बाजार 25 रुपए से 28 रुपए किलो चला हुआ है। अनार इस क्वालिटी का माल 750 रुपए से 800 रुपए डब्बा रहा है। एक डब्बे में 10 किलो अनार होते हैं। तरबूज में ये माल 22 रुपए से 26 रुपए किलो। चीकू का बाजार 300 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 450 रुपए डब्बा रहा है। एक डब्बे में 10 किलो चीकू होते हैं। अंगूर 500 रुपए से लेकर 600 रुपए क्रेट रहा है। ये 10 किलो की पैकिंग होती है, छोटा डब्बा है। काला अंगूर भी 10 किलो की पैकिंग में है, जो कि 700 रुपए से 800 रुपए का बाजार रहा है। कुछ माल मंडी में परचून भाव में बिकता है, जिसका कारण उसकी कम लागत या ज्यादा भाव का होना होता है। उनके भाव इस प्रकार से हैं। अदरक 100 रुपए से 130 रुपए किलो तक का भाव रहा है। भीसा 120 रुपए से 150 रुपए किलो। मशरूम का बाजार 110 रुपए से 130 रुपए किलो। लाल पीली शिमला 140 से 150 रुपए किलो। कटहल 55 से 60 रुपए किलो। छोलिया दाना 120 रुपए से 130 रुपए किलो। और स्वीट कॉर्न दाना 70 से 80 रुपए किलो परचून भाव में रहा है। आज मंडी में माल की आवक ठीक ठाक रही, ग्राहकी कल के मुकाबले कुछ कम रही है। हरी मिर्च का बाजार ऊपर ही है, मटर में गिरावट रही है हल्की सी। धनिया पालक मेथी का बाजार तो काफी नीचे ही चला हुआ है। भाइयों, यह था आज करनाल मंडी में फल और सब्जियों का बाजार भाव। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। सभी किसान, व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, फल व सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके।